दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके कुछ कोर्सेज का एग्जाम सेंटर चेंज हुआ है, यानी जो टेस्ट सेंटर है उसको चेंज किया गया है। अब ये क्या चेंज किया गया है, क्यों चेंज किया है, किसके लिए चेंज किया गया है, एक छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये नोटिस आई है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया एडमिशन ब्रांच से। तो चेंज ऑफ वेन्यू और सिटी फॉलोइंग प्रोग्राम्स फॉर सेशन 2023-24। अब एक नियम है कि जिस टेस्ट सेंटर पे 50 से कम बच्चों ने ऑप्ट किया है, यानी मान लीजिए कोई एक सेंटर है, जैसे मान लीजिए गुवाहाटी है, गुवाहाटी असम की राजधानी है, तो यहाँ पे अगर 50 से कम कैंडिडेट्स किसी एक पार्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो उस पे एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, उसको मूव करके दिल्ली ले जाया जाएगा। कोलकाता में भी मान लीजिए बीएड का बहुत कम बच्चे थे इसलिए इसको मूव करके दिल्ली लाया गया। वहीं बात करें तो पटना, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, यहाँ पे बीएड का टेस्ट होगा। कहाँ कहाँ बीएड का टेस्ट नहीं होगा, गुवाहाटी में बीएड का टेस्ट नहीं होगा, गुवाहाटी वालों को शिफ्ट कर दिया गया है दिल्ली, कोलकाता वालों को भी शिफ्ट कर दिया गया है दिल्ली, और श्रीनगर वालों को भी शिफ्ट कर दिया गया है दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे 50 से कम बच्चों ने अप्लाई किया था। ये तो रहा बीएड के कोर्स, अब आपका भी कोर्स हो सकता है इसमें, चलिए एक एक कोर्स करके देखते हैं। एमएड के लिए जितने भी सेंटर थे गुवाहाटी, कोलकाता, पटना, लखनऊ, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, सबको शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया है, क्योंकि एमएड के बच्चे इस टेस्ट सेंटर पे 50 से ज्यादा हुए ही नहीं, तो इनका यहाँ एग्जाम सेंटर चेंज करके दिल्ली लाया गया। एमए इंग्लिश की बात करें तो कोलकाता, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम में होगा, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना वाला दिल्ली में होगा। उसी तरह एमए अप्लाइड साइकोलॉजी है, कोलकाता, लखनऊ, त्रिवेंद्रम में होगा, और गुवाहाटी, पटना, श्रीनगर वालों को मूव होकर दिल्ली आना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उम्मीद कर रहे थे कि आपने भरा है वहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए पहले यह जानना जरूरी है कि आपने जो फॉर्म भरा है वहाँ पे कम बच्चे हैं, इसलिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली आना पड़ेगा तो गर्मियों का सीजन में बहुत जगह शादियाँ होती है तो वहाँ पे ट्रेन में बहुत ट्रैफिक होता है, इसलिए पहले से टिकट करवा लीजिएगा। एमए इकोनॉमिक्स की बात करें तो लखनऊ, त्रिवेंद्रम में होगा, कहाँ नहीं होगा, गुवाहाटी में, कोलकाता, पटना, श्रीनगर में एमए इकोनॉमिक्स का टेस्ट नहीं होगा, इन सारे सेंटर को दिल्ली आना पड़ेगा। अब एमए सोशल वर्क लखनऊ, त्रिवेंद्रम में होगा, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, श्रीनगर में नहीं होगा। एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट त्रिवेंद्रम में होगा, और गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर वालों को दिल्ली आके टेस्ट देना पड़ेगा। एमसीए की बात करें मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो कोलकाता, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, पटना में टेस्ट होगा, गुवाहाटी, श्रीनगर में टेस्ट नहीं होगा, इन दोनों सेंटर वालों को दिल्ली आके टेस्ट देना पड़ेगा। एमबीए का फुल टाइम है, इंटरनेशनल बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस है, ये कोलकाता, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम में टेस्ट होगा, गुवाहाटी वालों को दिल्ली आना पड़ेगा। नियम वही है कि 50 से कम जहां बच्चे सेंटर पे अप्लाई किए हैं उनको दिल्ली ही आना पड़ेगा, जहां 50 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है उसको वही सेंटर मिल जाएगा, और जितने भी मास्टर कोर्सेज है सभी में लगभग ऑप्शंस है इतने इतने सेंटर पे, लेकिन जितने भी ग्रेजुएट कोर्सेज है उससे भी नीचे के कोर्सेज है, स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट है, सबको दिल्ली आना होता है, लेकिन मास्टर कोर्सेज का चॉइस है कि यहां एग्जाम सेंटर हो सकता है, तो मास्टर वालों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन देखिए 50 से कम बच्चे हुए तो उनको शिफ्ट करके फिर दिल्ली ही आना पड़ा, तो ये पहले जाना जरूरी है, पहले से ट्रेन का टिकट करवा करके। तो दोस्तों ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके फायदे के लिए बताता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया मिल्लिया इस्लामिया।